दोस्तों मुकेश खन्ना जी की पहली फिल्म आई थी साल 1981 में रूही और इनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद 1982 में इनकी दूसरी फिल्म आई वक्त के शहजादे और इनकी दूसरी फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1983 में इनकी तीसरी फिल्म आई दर्दे दिल और इनकी तीसरी फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1984 में इनकी चौथी फिल्म आई कप्तान बेरी और इनकी चौथी फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1985 में इनकी फिल्म आई मुझे कसम है और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1991 में आई सौगंध और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही मुकेश जी की फिल्म आई सौदागर और भाई साहब यह तो सुपर हिट रही। इसके बाद 1992 में आई मंगनी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई गिरफ्त और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई यलगार और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई तहलका और दोस्तों यह तो हिट रही। इसके बाद 1993 में इनकी फिल्म आई कुंदन और यह एवरेज रही। इसके बाद आई थी शक्तिमान और दोस्तों यह भी एवरेज रही। इसके बाद आई मेरी आन और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी रानी और महारानी और यह फ्लॉप रही। साल 1994 में इनकी फिल्म आई बेताज बादशाह और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई मोहब्बत की आरजू और यह भी फ्लॉप हुई। इसके बाद आई रखवाले और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और यह हिट रही। इसके बाद आई अमानत और यह एवरेज रही। इसके बाद आई आओ प्यार करे और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई आग आंधी और तूफान और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई पथरीला रास्ता और यह भी फ्लॉप रही। और इसी साल ही आई थानेदारनी और यह तो डिजास्टर रही। इसके बाद 1995 में इनकी फिल्म आई जवाब और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई रेशमा और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई पांडव और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई जय विक्रांता और दोस्तों यह सेम हिट रही। इसके बाद आई मैदाने जंग और यह एवरेज रही। इसके बाद आई पुलिस वाला गुंडा और दोस्तों यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद आई नजर के सामने और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई ताकत और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई गुड्डू और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी वीर और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद मुकेश जी की फिल्म आई बरसात और भाई साहब यह तो सुपर हिट रही। इसी साल ही मुकेश जी की फिल्म आई राजा और भाई साहब मुकेश जी की यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही। और इसी साल ही आई थी पुलिस लॉकअप और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1996 में इनकी फिल्म आई हिम्मत और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई जगन्नाथ और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई हिम्मतवर और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई हुक्मनामा और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई बाल ब्रह्मचारी और यह फ्लॉप रही। और इसी साल ही आई थी स्मगलर और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1997 में मुकेश जी की फिल्म आई आखिरी संघर्ष और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई सलमा पे दिल आ गया और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी अग्नि मोर्चा और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई जज मुजरिम और यह एवरेज रही। इसके बाद आई थी नजर और यह डिजास्टर हुई थी। साल 1988 में इनकी फिल्म आई महायुद्ध और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी कीमत और दोस्तों यह एवरेज रही। इसी साल ही आई जुल्म और सितम और यह तो फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी 1999 में जालसाज और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई इंटरनेशनल खिलाड़ी और यह एवरेज रही। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म आई खौफ और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी हेरा फेरी और दोस्तों यह तो हिट रही। इसके बाद आई गैंग और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2001 में आई एक और जंग और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी सेंसर और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2003 में आती है टाडा और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2004 में आई प्लान और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई मिशन मुंबई और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई शोला और यह
यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2005 में आई थी द फिल्म और यह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी 2009 में चल चले और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2010 में आई बारूद और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2012 में आई अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2013 में आई सावरिया और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2014 में आई थी मनी बैक गारंटी और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 2016 में इनकी फिल्म आई स्वदेश की खातिर और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 2018 में इनकी फिल्म आई थी मुझे भी ये दुनिया देखनी है और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। तो दोस्तों यह था मुकेश खन्ना जी का फिल्मी सफर। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।